अजाब गजाब घर जमाई। रो रही है पर फिर भी पोछा लगा रही है। अब देखना इसकी सास आएगी और इसे डांटेगी। आगी 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 वो आगी। कि बहू अभी तक तुमने कितना सारा काम किया नहीं है, खाना बनाना बाकी है। आप तो कमाल हो डॉली जी, हाँ वही हो रहा है जो आप बता रही हो। अरे चिंटू जी, हमने इतने एपिसोड देख लिए, अब तो हमें पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए वो बेटे की जान, ये सही मौका मिला है काल का चैप्टर बदल के सीधा राइटर का चैप्टर चालू कर देता हूँ। अब बनेगी बात। डॉली जी, हाँ अगर आप लेखक बन जाओ तो लेखक। डॉली जी मेरा एक दोस्त है मुंबई में। अच्छा। वो उसका यही काम है, ये सीरियल वीरियल ही लिखता है वो। हाँ तो मैं उससे बात करता हूँ, वो आजकल मथुरा में आया हुआ है, उसको एक कहानी चाहिए। आप लिख दो एक कहानी, हैं कहानी लिख दो उसको दे दो, और क्या पता एक दिन मेरी मेरी डॉली जी का सीरियल आ रहा होगा। हैं सोचो आपका सीरियल आ रहा होगा, आपका बहुत कमाल का काम करता है ये। भाभी जी को लिखने का शौक है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर मैं मथुरा आया भी इसीलिए था कि यहाँ मुझे कोई ना कोई कहानी तो जरूर मिल जाएगी। हो सकता है कि मैं भाभी जी की कहानी लेकर जाऊं। हाँ क्यों नहीं, वो क्या है ना कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ दो दिन है। सिर्फ दो दिन? प्रॉब्लम क्या है, आप लिखना तो शुरू करिए और लिख कर मुझे ईमेल कर दीजिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, ठीक है। ये उस सुबह की कहानी है जब बहू चाय का प्याला लेकर सास के पास जाती है और उसकी खड़ूस सास गुस्से में आके उस चाय के प्याले को घुमा के फेंक देती है और डांट के कहती है, अरे कल मुंह ही इतनी गर्म चाय पिलानी थी तो जलता हुआ कोयला ही मुंह में रख देती। खत्म हो गई? नहीं नाना जी, और है आगे। तो शॉर्टकट में चलो, शॉर्टकट। नाना जी शॉर्टकट में अगर ससुराल भी आ जाता तो कितना अच्छा होता ना। एक लड़की अपने बचपन से लेके जवानी तक अपने ससुराल का रास्ता ही तो खोजती है नाना जी। और एक काम करो बेटा, तुम लिखो, मुझे टहलने जाना है, अगर मैंने और सुन ली तो मैं बिल्कुल लंबा ही टहल जाऊंगा। नानी जी की जाओ। वो तो हो, लेकिन एक बात बताओ बेटा चिंटू, ये कौन सा नया चक्कर शुरू कर दिया तुमने? डॉली को राइटर बना रहे और राइटर बनके वो ससुराल जाएगी। ये मत भूलना मिस्टर चिंटू कि हमने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये लीजिए नानी जी मेरे हस्ताक्षर। और ये एक और बात याद रखना कि अपनी डॉली की आंख में आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप टेंशन मतलब बिल्कुल भी। डॉली जी का हुनर ना मुझे समझ में आ गया है, वो बनना चाहती हैं हिंदुस्तान की एक प्रसिद्ध लेखिका। लेकिन क्या है ना, इस सब में मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हमारी मदद? डॉली की लेखिका बनने में हम कैसे मदद कर सकते हैं? मैं बताता हूँ कैसे। आप लोग ना कैसे मदद करो उनकी, यहाँ पर ना यहीं पर उनको सेकंड हैंड ससुराल का एक्सपीरियंस कराओ। देवरानी जी ज्यादा अंगड़ाइयां मत लो, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है ससुराल। यहाँ पता नहीं चलना चाहिए कि बहू पहले उठी थी या सोई पहले थी। अरे भाभी 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 भाभी, आप भैया के कपड़े धोने आ रही हो ना जी, तो मेरे भी कपड़े धो दो। और हाँ ये ध्यान रखना दाग धब्बे बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ भाभी सुनाइए कहानी। देखिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये कहानी है भाभी जी, जी कहानी तो ठीक है लेकिन इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब चाय बनाना, सिंदूर लगाना, ये सब इस कहानी के किसी भी लॉजिक में फिट नहीं हो रहा है। भाभी जी आप छोड़िए, आपसे होगा नहीं। अब क्या है ना कि सीरियल देखना और लिखना दोनों अलग अलग बातें हैं। देख मोहित तू मेरा दोस्त है ठीक है ये बात, लेकिन मेरी वाइफ से ऐसे बात नहीं कर सकता तू, समझा?
ये चिंटू जी गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हम भी तो आपसे यही कह रहे थे ना कि सीरियल देखना और बात है और एपिसोड लिखना और बात। जिसने कभी ससुराल देखा ही नहीं है वो अभागन क्या लिखेगी ससुराल के बारे। धन्यवाद मोहित, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने लाज रख ली भाई मेरी। ये मेरी वाइफ को ये जो राइटर बनने का भूत चढ़ा था ना, ये मेरा ही चढ़ाया हुआ है, लेकिन अकेले नहीं उतार सकता था। तूने मदद करके बहुत बड़ा एहसान किया, एक बार फिर से धन्यवाद तेरा। अजाब गजाब घर जमाई। अजाब गजाब।